देश में आज लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान हो रहा है। इस चरण में 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर 17 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। चौथे चरण में उत्तर प्रदेश की 80 में से 13 सीटों, मध्य प्रदेश की 29 में से 8 सीटों, आंध्र प्रदेश की 25 सीटों, बिहार की 40 में से 5 सीटों, झारखंड की 14 में से 4 सीटों, महाराष्ट्र की 48 में से 11 सीटों के लिए मतदान चल रहा है। इसके अलावा ओडिशा की 21 में से 4 सीटों, तेलंगाना की 17 सीटों, पश्चिम बंगाल की 42 में से 8 सीटों, जम्मू कश्मीर की 5 में से 1 सीट के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण के दौरान 17.7 करोड़ मतदाता 1,92,000 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर 1,717 उम्मीदवारों में से अपनी पसंद के प्रतिनिधि चुनेंगे। इस काम में 19 लाख मतदान कर्मचारी लगाए गए हैं। कुल मतदाता में 8.97 करोड़ पुरुष और 8.73 करोड़ महिला मतदाता हैं। कुल 17.7 करोड़ मतदाताओं में से 12.49 लाख 85 साल से ज्यादा उम्र के हैं। चुनाव पर निगरानी के लिए 374 ऑब्जर्वर और 4,661 उड़न दस्ते हैं। इनके अलावा 4,438 स्टैटिक सर्वेलेंस टीम भी चुनाव क्षेत्र में होंगी। 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित इन चुनाव क्षेत्रों में 1,016 अंतर राज्यीय सीमा और 121 अंतर्राष्ट्रीय सीमा चेक पोस्ट है।